दोस्तों BTS के मेंबर्स ने अपने लाइफ में काफी सारी चीजें अचीव कर ली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली हमारे BTS के लीडर किम नामजून ने एक बहुत ही बड़ी चीज को अचीव किया, लेकिन उसके बाद उनका कंपैरिजन हमारे प्यारे वी से किया जाने लगा। और दोस्तों यही नहीं बल्कि आर्मीज काफी अपसेट हैं कि जब वही सेम चीज वी ने अचीव करी थी तो सब लोग इतने खुश थे, लेकिन RM की अचीवमेंट को पूछने के लिए कोई वहां पर मौजूद ही नहीं है। दोस्तों एक्चुअली आप में से काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि हमारे BTS के मेंबर वी कितने हैंडसम हैं, और इसी वजह से उन्हें काफी सारे सालों में वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन होने का टाइटल भी दिया गया था। और दोस्तों एक ही नहीं बल्कि पूरे 2 साल लगातार वी ने बार बार इस टाइटल को जीता था, यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन एक्टर ऋतिक रोशन तक को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि दोस्तों रिसेंटली न्यूज आई है और पता चला है कि एक बहुत ही फेमस सर्वे साइट PC कैंडलर के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हमारे BTS के लीडर RM 2022 के मोस्ट हैंडसम मैन बताए जा रहे हैं। दोस्तों यही नहीं बल्कि उन्होंने रिसेंटली ही एक ऑनलाइन सर्वे परफॉर्म किया था जहां पर बहुत ही सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और इसका रिजल्ट ये आया है कि BTS के लीडर RM को वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन बताया जा रहा है। दोस्तों साथ ही साथ इससे भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज तो ये है कि उन्होंने जिसको पीछे छोड़ा है उसका नाम कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन के एक्टर हेनरी केविल है। हालांकि दोस्तों शॉकिंग बात तो ये थी कि जैसे ही ये न्यूज आउट हुई बहुत ही सारी आर्मीज ने दुनिया भर में बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देखे। दोस्तों खुद आर्मीज के बीच में भी काफी सारी आर्मीज ने RM को इस रिजल्ट के बेसिस पर सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों एक्चुअली काफी सारे नॉन आर्मीज का कहना है कि हेनरी केविल से ज्यादा हैंडसम RM नहीं है, जिसकी वजह से ये जो सर्वे है वो एक फ्रॉड है और RM को जिताना नहीं चाहिए था। हालांकि दोस्तों सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि खुद काफी सारी आर्मीज का भी यही मानना है। दोस्तों जो ट्रू आर्मीज है उनका ये कहना है कि जब यही सेम टाइटल वी को दिया गया था तो सभी आर्मीज ने वी का सपोर्ट किया था जस्ट बिकॉज वी दिखने में काफी हैंडसम है और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। मैक्सिमम आर्मीज के बायस वी ही होते हैं, जिसकी वजह से जब उनको मोस्ट हैंडसम मैन कहा गया तो किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया। यही नहीं बल्कि जब उन्होंने इतने फेमस एक्टर्स हॉलीवुड के एक्ट्रेस तक को पीछे छोड़ा तब भी किसी ने एक भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन अब जब वही सेम अचीवमेंट हमारे RM को मिल रही है जिनको अक्सर इग्नोर किया जाता है तो आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों काफी सारे आर्मीज का मानना है कि RM की जगह पे हेनरी को ही जीतना चाहिए था और ये खुद एक फैंडम वॉर बन चुकी है, जहां बहुत ही सारे लोगों का मानना है कि आर्मीज को अपने सभी मेंबर्स को एक बराबर सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज्यादा सपोर्ट मिले या फिर किसी को कम सपोर्ट मिले। वहीं काफी सारे आर्मीज का मानना है कि ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ फेस और लुक्स के बेसिस पे था, जिसकी वजह से अगर इस सर्वे में RM नहीं भी जीते तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है। हालांकि BTS का इस पर अभी भी कोई भी रिव्यू या फिर कमेंट देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका क्या मानना है कि हमारे RM हेनरी केविल से ज्यादा हैंडसम है या फिर नहीं है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।